हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ट्रेनर एक्स और पोकेमोन मेटल रेड के एपिसोड 19 में। वेल गाइस, आज के इस एपिसोड के अंदर हम विक्ट्री रोड जाएंगे और लेकिन उससे पहले हम ट्रेटिनी को खरीदेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम सेलेमेंस पकड़ेंगे। लेकिन इन सभी से पहले हमें भाई ब्लू की ब्लू फिल्म बनानी है भाई आखिर। तो गाइस चलते हैं ब्लू की ब्लू फिल्म बनाने के लिए। देखो ब्लू तो हमें यहाँ पर मिलेगा साला वो। हाँ साला तू पहले आ जा। देखो पता है मैं पोकेमोन अपने चेंज करने की सोच रहा था यार, लेकिन मुझे फिर याद आया साला यहाँ पे ब्लू भी, उससे भी लड़ना है हमें। तो यार इसलिए ना मैं पहले इससे लड़ने आ गया, उसके बाद फिर हम चलेंगे सेलेमेंस पकड़ने। तो भाई ओके, अभी मेगा इवॉल्व। हाँ मुझे मालूम साला मेगा इवॉल्व करेगा ये भी। लेकिन भाई यार गेम की बहुत बड़ी चिरांद है। ओके पिजियोट एक ही अटैक में चला गया। शीर गोल्ड अटैक खुला, इनग्रेन काटो इनग्रेन। ओके हम भेज किसको, लेकिन हमें पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि भाई रिचार्ज वाला ऑप्शन आएगा ना इसका। अभी टोर्टेरा को भेजना पड़ेगा मुझे मजबूरन। अर्थक्वेक। ओके तो अब भाई ड्रैगन ये कर लो साले पहले तू, या मारता हूँ मैं एक बार अटैक। या शिट मर गया ये तो, मुझे लगा टोर्टेरा इसको मार सकता है लेकिन नहीं मार पाया बेचारा। चलो कोई बात नहीं, ब्लास्ट बन पड़ेगा इनके ऊपर। चलो गाइस ये भी लड़क गया इनके वाला पोकेमोन भी। अब भेज साले किसको भेजेगा, राइडोन एलेक्सम। ओके राय हॉर्न भाई देख रहे हो, राय हॉर्न है इसके पास। कितने लेवल का, 70 लेवल का राय हॉर्न। भाई इवोल्व भी नहीं करा गया इसने, भाई पगला गया होगा ये साला। ये भाई मुझे ना अपने पैंगरो का टैलेंट देखते हुए पता है ये लग रहा है कि मुझे इस अपने साथ है ना आप वहाँ पर ले जाना चाहिए पोकेमोन लीग में भी, क्योंकि भाई शायद मुझे वहाँ पे काम आ सकता है, ये जितवा सकता है मुझे। ओ तेरी भाई ये बाल बाल बचे जा रहा है मेरे पैंगरो यहाँ पर बार बार। ओह अब भी देखो 19 पर आके बच गई इसकी HP। ओके भाई साहब इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने, मेरे पैंगरो ने मुझे ज़्यादा दे दिया। ओके क्लोज कॉम्बैट भाई, लुकारी ब्रो थैंक यू सो मच। यार लुकारियों को वैसे पता है, लूल है वैसे लुकारियों, इसके पास हमले पड़ते हैं ना तो ज़्यादा असर होता है इसके ऊपर, लेकिन जब ये हमला करता तो पूरी HP ले आता बंदा। ओके ब्लास्ट बर्न भाई तुम देख रहे हो यार कितना आसान हो गया गेम मेरे लिए अभी है। अभी वेट इसने कौन सा पोकेमोन भेजा मुझे समझ में नहीं आया, मैंने एक मिनट ध्यान से नहीं देखा है। मैं एरोडैक्टिल भेज देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने देखा नहीं यार कौन सा पोकेमोन भेजा। अच्छा आर्कनाइन। अब भाई यार पैंगरो के पास सर्फ थी भाई। अब भाई यहाँ पर तो मैं कंफ्यूज हो गया ना यार, पैंगरो के पास सर्फ थी ब्रो, क्या करूँ। रिवाइव दो उसको, मैं रिवाइव दे देता हूँ ये है ना, क्योंकि इसके पास सर्फ है भाई। मेरा कोई और पोकेमोन लेके मार ही नहीं सकता उसको शायद, इसलिए मेरे को सर्फ की ज़रूरत है। अभी हाइपर पोशन और देना मुझे, इसको जिंदा कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है, अभी बस एक हाइपर पोशन, अभी एक हाइपर पोशन भाई। एरोडैक्टिल भाई इतना सहेलिए भाई, बहुत बड़ा काम कर दिया इसने मेरे लिए, मुझे लगा वेस्ट होगा ये पोकेमोन लेकिन सही है। चलो पैंगरो भी आ गया बंदा। अब सर्फ अटैक। ओके कमबख्त भेंचो साला, इतना असर तो हुआ भी, लेकिन कोई बात नहीं, एक आखिरी हमला था यार, ये एक आखिरी हमला था साला। या शिट अभी टोर्टेरे को भेजना पड़ेगा मुझे लग रहा है, टोर्टेरे का अर्थ को एक प्लीज ब्रो ज्यादा। ओ एक एक एक, 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 एक भाई अनएक्सपेक्टेड भाई, मेरे पोकेमोन्स भाई, मेरी टीम एकदम बढ़िया परफेक्ट ब्रो भाई, मेरी टीम ने मेरे को चौंका दिया भाई अच्छे से। एक मिनट, रेन डांस अटैक से भाई HP कहाँ जाती भाई, एक HP थी चलो कोई बात नहीं, लेकिन रेन डांस अटैक से कुछ भी नहीं होता। बट फिर भी कोई बात नहीं, हम जीत गए यार। गाइज हमने ब्लू की ब्लू फिल्म बना दी बहुत आसानी से यार, कसम से बहुत आसानी से, इतनी कोई मुश्किल नहीं लगी। खैर गाइज अभी हमने ब्लू की ब्लू फिल्म कम्प्लीटली बना चुके हैं, अभी हम इससे मिलेंगे पोकेमोन लीग में। तो गाइज अब हमें करना क्या है, हमें जाना है पोकेमोन सेंटर में, पोकेमोन हील करेंगे और अभी हम यहाँ से बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, सेलेमेंस पकड़ने मुझे कहाँ जाने। सेलेमेंस मिलेगा मैं फूशिया सिटी के अंदर। अगर तुम लोगों को सेलेमेंस चाहिए ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, वो अलग बात है तुम्हें शायद ऑलरेडी मालूम, लेकिन फिर भी भाई जान लो क्या पता ना मालूम किसी को, क्योंकि बैगोन तो मुझे कहीं मिला नहीं था यार तुम्हें मालूम ही है। तो यार इसलिए मेरे को सेलेमेंस ही पकड़ना पड़ेगा मजबूरन अभी। भाई ये फास्ट फॉरवर्ड तो तुम लोग तो भाई नॉर्मल स्पीड कर लेना, मैं बार बार फास्ट फॉरवर्ड नॉर्मल स्पीड करके बोर हो जाता हूँ यार, इसलिए मेरे को भाई मे भी एटीट्यूड में बंदा फुल। खैर अभी सेलेमेंस हमें यहाँ पर यार ऐसे ढंग से चलता भी नहीं। खैर देखो सेलेमेंस मिलेगा मैं यहाँ पर, तो गाइज अभी हम मिलते हैं जब तक सेलेमेंस मिलता है, ठीक है ना। A few moments later. तो गाइज हमें सेलेमेंस मिल चुका है, तो अभी हम इसको अगर मैं इसके ऊपर हमला करूँगा ना साला मरवरा जाएगा यार ये भाई, प्लीज़ ब्रो आ जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार तू मरवरा जाए, पता नहीं कौन से ज़माने में एक तो तू पकड़ना आएगा यार। साला है तो 20 लेवल का, लेकिन इसके नखरे भाई ऐसे 100 लेवल का पोकेमोन हो बंदा, ये पता नहीं कहाँ से लाते साले इतना एटीट्यूड ही है ब्रो। आ जा ना यार, एक चपाट मारा ना मरवरा जाएगा तू।
अबे आ जा यार अभी, एक मिनट भाई। एरोडेक्टिल के कम लेवल है ना, तो भाई ये शायद इसके अटैक्स का असर ना हो। ओके ओके भाई, लकी मैं कि इसकी पूरा मरा नहीं सेलेमेंस अपना। ओके गाइस, फाइनली सेलेमेंस को हमने पकड़ ही लिया। वेल गाइस, अभी हम जाएंगे सेलेमेंस पकड़ने की खुशी के बाद। अभी हम कहाँ जाएंगे? हमें जाने ड्रेटनी को खरीदने के लिए। ओह माय गॉड, 50 कॉइन है हमारे पास और ड्रेटनी मिलेगा 2800 कॉइंस के अंदर। ओके तो गाइस, अब हम जाते हैं कॉइंस को खरीदने। तो कॉइन्स मिलेंगे हमें, ये दीदी देंगी कॉइन्स। अब तुम 50 कॉइन मिलेंगे 1000 रुपये में, और 10000 में मिलेंगे 500 कॉइन। अब तुम कहोगे भाई तू तो गरीब है भाई, तू कैसे खरीदेगा कॉइन? तो भाई जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि मेरे भाई रेयर कैंडी का है ना बिजनेस चलता है, तो मेरे को जो मेरी कमाई होती है सारी रेयर कैंडी से तो होती है। तो गाइज मिलते हैं अपने पैसे अकाउंट से निकालने के बाद। ओके अच्छा, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने पास अंबानी जितने पैसे लेकर। तो गाइज मिलते हैं कॉइन्स जमा करने के बाद। तो गाइज फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद हमारे पास हो चुके हैं पर 9950 कॉइन्स। अब यहाँ पर आएंगे हम ड्रैटनी को खरीदने के लिए। तो भाई दुआ करो कि मेल ड्रैटनी हो हमारे पास, आदमी हो। यस 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 यस, हमारे पास ड्रैटनी मेल निकला। हमारा ड्रैटनी छोटी लड़की नहीं है। वेल देखते हैं इनके पास और क्या क्या है। आबरा क्लाफरे ड्रैटनी सायतर पॉलीकॉन, बस ये सायतर मैं सोच रहा हूँ खरीदूंगा लेकिन बाद में, फिर कभी। अभी देखते हैं इनके पास टीम कौन कौन सी है भाई। शेडो बॉल है तो, एंड अब एक मिनट गलती, शेडो बॉल हो गई। ये फ्लेम थ्रोअर, ओके, और कौन, थंडर बोल्ट, ओके थंडर बोल्ट भी काम की है। और कौन कौन सी भाई दिखाओ तो ज़रा। एंड आइस बीम, तो यार मेरे को लग रहा था आइस बीम ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यार तुम लोगों को मालूम है आगे चल के मेरी होगी ड्रैगन टाइप पोकेमोन से फाइट, ठीक है ना, तो शायद वहाँ पे आइस बीम अटैक मेरा बहुत काम आएगा, तो इसलिए मैंने आइस बीम ले ली थी। बाकी टी एम से मैं बाद में कभी भी आके ले सकता हूँ। तो गाइज अभी हम जाते हैं अपने पोकेमोन चेंज करने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मेरे ख्याल से काफ़ी है टीम की सजावट भी। ओके गाइज, तो गाइज हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, वैसे मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया है। तो गाइज अब हम चलते हैं, हम जाएंगे सेलेडोन स्टोर, क्योंकि यार मेरे को एक तो एक समझ में नहीं आ रहा है कि अपना चार्जार्ड को है ना गैलारियन और जजेंटा मैक्स जो है ना, जो भी है वो जी मैक्स, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने चार्जार्ड को जजेंटा मैक्स में कैसे बनाते हैं जो भी है वो। और मुझे अपने सेलेमेंस को मेगा इवॉल्व भी करना है, तो मैं अपने सेलेमेंस साइट खरीदने आया हूँ फिलहाल तो, एंड बाद में फिर देख लूँगा मैं कैसे बनेगा साला जजेंटा मैक्स। ओके तो यार एक तो मेरे को गार्ड चौंप नहीं मिल रहा यार, एक गार्ड चौंपाइट को देख कर है ना मुझे रोना आ जाता है यार। मुझे बताओ यार, किसी ने नहीं बताया, कोई कमेंट ही नहीं करता बहन की आँख, किसी ने बताया नहीं मेरे को गीबल कहाँ मिलेगा यार। भाई मेरे को इंडिया इंडिया ना पता क्या करना पड़ेगा, मैं ना भाई गीबल को वो दे दूंगा, ओ सॉरी गीबल का चीट कोड लगा लूँगा साला, मिलेगा नहीं तो। खैर गाइस अभी हमने सेलेमेंस साइड दे दी सेलेमेंस को, और अब हम सोच रहा हूँ मैं अपने पोकेमोन्स को ना अटैक सिखा दूँ, लाइक होर्सी और ड्रैटनी को सर्व वगैरह, ठीक है ना। तो कहाँ है मेरा टी एम के जेरा? ओके पहले तो देखता हूँ कौन कौन सा अटैक सीखा सकता हूँ मैं। फायर ब्लास्ट, फायर ब्लास्ट ड्रैटनी सीख रही है इसको। सेलेमेंस, सेलेमेंस इसको भी सिखा देता हूँ यार। हाँ चूतिया चूतिया अटैक है साले के। बस मैं सोच रहा हूँ जब सेलेमेंस 50 या 55 लेवल पर इवॉल्व होता है ना, शायद करीब करीब 50 लेवल के पास आसपास ही इवॉल्व होता है शैलगोन सेलेमेंस में, तो सारे 20 लेवल का सेलेमेंस कैसा बन गया होगा 20 लेवल पर? पता नहीं यार कैसे नशे पोकेमोन्स के भी हैं। फिलहाल हमने इसको फ्लाई उड़ना भी सिखा दिया है, फायर ब्लास्ट मूव भी सिखा दिया। हॉर्सी के ऊपर हम तैरेंगे उस भाई, एक छोटे से नुन्नू मुन्नू पोकेमोन के ऊपर हम चढ़ के तैरेंगे। और आइस बीम सिखाना ज़रूरी है भाई। ओ अबू मसनो के पास आइस बीम नहीं है ब्रो, आइस टाइप पोकेमोन है साला, आइस टाइप पोकेमोन के नाम पर धब्बा है साला ये भी। ओके तो हमने इसको आइस बीम सिखा दी है, एंड ड्रैटनी को भी सिखा देते हैं यार आइस बीम, साला है तो ये भी ड्रैगन टाइप पोकेमोन ही ना, तो इसको भी हम आइस बीम सिखाएंगे। और होर्सी को भी सिखा देता हूँ, क्या बात है कब काम आ जाए ब्रो। स्मोक बबल अटैक काट दिया मैंने इसका भाई, स्मोक स्क्रीन काटना चाहिए था वैसे तो, बट कोई बात नहीं। एंड और गीगा ड्रेन साला ये तो कोई सीखने वाला है ही नहीं। थंडर अटैक भाई, थंडर अटैक सिखाना ज़रूरी है भाई, तो कंपलसरी ब्रो थंडर अटैक, वरना तो इलेक्टाबज मैंने तभी तो अपनी टीम में नहीं रखा क्योंकि मेरे पास ड्रैट ही नहीं था, और ये थंडर अटैक सीख सकता है। एंड और कोई नहीं, बस आई गेस इतना काफ़ी है ब्रो। और कोई अटैक, रॉक टॉम, ओके ओके बस इतना काफ़ी हो गया गाइस। और ये अंकल देखते कुछ देते हैं क्या, स्लो पोक कोई पोकेमोन देगा कि सॉफ्ट बॉयल अब दफान वट, मेरे को नहीं चाहिए भाई, मुझे लोग कोई पोकेमोन देगा ही है। खैर गाइस अभी हमारा हो चुका है सब कुछ, किए हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया इधर उधर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं फाइनली हमारी वीडियो की जो मेन चीज़ है, हम वो चीज़ करने जा रहे हैं जो कि हमें विक्ट्री रोड पर जाना है। तो पोकेमोन हील कर लेता हूँ सबसे पहले तो भाई, ये तो कंपलसरी है करना। ओके तो गाइस अब हम जाते हैं विक्ट्री रोड। ओके कोडी गो, भाई ये कौन सा पोकेमोन है ब्रो, मुझे इसे पकड़ना चाहिए कि नहीं यार, दफा करना है मेरे को नहीं चाहिए।
वैसे भी साला बहुत मुश्किल से पकड़, मतलब आ ही नहीं रहता है साला, इतना नखरते हैं पोकेमॉन के मैं स्टार्टिंग। अबे एक मिनट भाई यार, मैं भूल गया, मेरे को शॉपिंग करनी थी यार, मैं कुछ भूल गया यार। मैं गाइस दोबारा मैं शॉपिंग करके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। One eternity later. Okay गाइस, फाइनली मैं अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट करके आ चुका हूँ भाई। मैं दो बार फिर से चीज कुछ भूल गया था। ओके तो गाइस बोल्डर वेज, ये देख साले बोल्डर वेज, अभी इसको कैस्केड वेज दिखा दिया हमने। ओके अंकल जाने दो भाई। ओके ये भी थंडर वेज दिखाना पड़ेगा इसको हमें भाई, कितना मजा आता है ऐसे। और यार सोल, अच्छा रेनबो बेज, ओके सर्फ अटैक यहाँ पे कंपलसरी है। ओके सोल बेज ये ले तू भी, और यहाँ पे कौन सा बैच देना पड़ेगा मैं ले, देख भाई तू मार्श बैच। ये सारा देख के सराय मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही गेम के अंदर, हमने तो इसे दिखाया भी नहीं। देख भाई ये रहा बैच, हम तो इसको सिर्फ दिखा रहे ना कि भाई तो मेरे पास मार्श बैच है, तो झूठ बोल के कोई भी निकल जाएगा यहाँ से भाई, ये तो बिना चेकिंग कर रहा है ना। अच्छा मैं समझ में नहीं आता ये साले पुलिस वाले जो यहाँ पर आए कैसे होंगे यार आखिर, मतलब इनके पास तो सर्व भी नहीं होगी ना साले, ऐसे खड़े में खड़े खड़े रहते क्या पूरे दिन यहाँ पे, कुछ काम धंधा नहीं इनको। अरे कहना क्या चाहते हो यार, ये तो गेम की बात है। टॉप अभी ये है वॉल्केनो बेस, हमने इसको दिखा दिया, और यहाँ पे पोकेमॉन मस्त दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है अर्थ बैच। ओके गाइस तो गाइस फाइनली हम विक्ट्री रोड की केव में आ चुके हैं। ये साला कैसा विक्ट्री रोड है, रोड कम केव गुफा ज़्यादा लग रही है मेरे को ये। भाई यार स्ट्रेंथ किसको सिखाऊँ मैं, स्ट्रेंथ किसको सिखाऊँ, अबोमसनो को सिखा देता हूँ यार, क्योंकि क्योंकि आइस बीम यार। एक मिनट भाई, मैंने शायद गलती कर दिया है, मैंने इसको स्ट्रेंथ सिखा के, मैंने बिना सोचे समझे मैंने स्ट्रेंथ इसको सिखा दी। बल कोई बात नहीं, आइस बीम तो मेरे पास और है ना, मैं इसको सिफर से सिखा दूंगा, और स्ट्रेंथ अटैक में इसका मूव डिलीट है, डिलीट करवा दूंगा वो पर। टोरटेरा ब्रो 44 लेवल का टोरटेरा, इसको मारने में काफ़ी एक्सपीरियंस गेन होगा गाइज हमें। ओके गाइज तो मुझे लगता है हमारी जो ट्रेनिंग है ना यहाँ पर एकदम मस्त होगी यार। तो भाई पोकेमॉन लीक जाने के बाद, पोकेमॉन हील करने के बाद है ना, यहीं पर आके ट्रेनिंग करूँगा अपनी मैं। गार बोर्ड है 32, उससे नहीं लड़ना मेरे को, ठीक है। एंड अभी इसको चलना यार, ये फास्ट फॉरवर्ड में इन्हें सब करना बड़ा मुश्किल है गाइज। ओके रोटम फ्रोस्ट 46, तो यार काफ़ी अच्छे खासे लेवल के पोकेमॉन से भाई यहाँ पर। जो पोकेमॉन फायर रेड है ना ओरिजिनल गेम भाई, उस गेम के अंदर है ना इतने लेवल के पोकेमॉन तो हमारे हो। ओ 40 लेवल का एम्बोर गाइज, मैं सोच रहा हूँ पकड़ू इसको, पकड़ू भाई यार मेरे को नहीं पकड़ना यार, मैं इसको मार देता हूँ, क्योंकि यार एम्बोर तो और मिल जाएंगे यहाँ पे, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला है मेरे को अच्छा खासा। अपनी पोकेमॉन ट्रेनिंग यहाँ पर एकदम मस्त होने वाली है गाइज हमारी, तो हम यहाँ पे चलते सारे के सारे ट्रेनर से लड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दीदी खड़ी, तो गाइज पहले तो मैं यहाँ पर आके देख लेता हूँ क्या मिलेगा यहाँ पर। मेरे ख्याल से यार ड्रैगन क्लॉ मिलती है यहाँ पर है ना, हाँ हाँ ड्रैगन क्लॉ ही मिली हमें, तो ड्रैगन क्लॉ मिल चुकी है। माँ चौक 40 मैं नहीं चाहिए मेरे को। ओके गाइज तो गाइज हम मिलते हैं इस लेडी से लड़ने के बाद। ओके गाइज फाइनली मैंने इस लेडी भीम को भी हरा दिया, काफी टफ थी वैसे। अभी गाइज हम मिलते हैं इससे लड़ने के बाद। One hour later. साले दो आराम बज रही, तेरा कुत्ता बना दूंगा मैं भाई। इसको तो मैंने बहुत बुरी तरह हराया, मेरे 4000 अकेले ने हरा दिया था उसको। ओके यहाँ पे भी हम स्ट्रेंथ ताकत यूज करनी पड़ेगी ब्रो, हर जगह ताकत की तो बात है। ओके बीड़ू उसको मैं बीड़ू कहता हूँ भाई, बीड़ी होती है ना भाई, वो तंबाकू बीड़ी जो भी है लगान वाला। ओ टिम्बर भाई इसको पकड़ लेते हो यार, इसका इवोल्यूशन काफ़ी अच्छा है यार। इसको पोकेबॉल में पकड़ के देखते हैं, पोकेबॉल में नहीं आ रन के भी नखरे ब्रो, कह रहे हैं इनको पोकेबॉल में नहीं आ रन को मास्टर बॉल से पकड़ो। हाँ साले जैसे कि पकड़ने वालों में, अभी ग्रेट बॉल डालकर देखता हूँ काश आ जाए। ग्रेट बॉल में भी नहीं आ रहा भाई, मार देने मेरे 4000 को इसकी ऐसी की तैसी गाइज। ओके मैं भाई बेटा आ जाए इस बार ईमानदारी से, तेरा भूत बना दूंगा। ओके भाई देखो धमके से आगे साला ऐसे प्यार से नहीं आ रहा था ये भी। तो गाइस हमने नया पोकेमॉन पकड़ लिया है यहाँ पे, और देखते कोई मस्त पोकेमॉन शायद मिल जाए। मैं चाहूँ ना यहाँ पे मैक्स रिपेल यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे किस तरह के पोकेमॉन मिल सकते हैं मुझे खुद को नहीं मालूम, क्या पता मुझे गार्चोम मिल जाए। चला जा भोट। तो गाइस मैंने इस जगह के सारे ट्रेनर से लड़ाई कर चुका हूँ। ओह माय गॉड, ओह मेरा ड्रैगन इवॉल्व हो रहा है भाई, ड्रैगन एयर बन गया, यस। वैसे मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि इवॉल्व होगा भी कि नहीं, मतलब गाइस मैंने इधर उधर के सारे ट्रेनर से लड़ाई कर चुका हूँ। अभी मेरे ऊपर सब थोड़ा ट्रैवलिंग करनी है मेरे को ऊपर ज़रा, तो देखता हूँ मैं थोड़ी रिवाइव यूज़ करके। साले पोकेमॉन्स मेरे जख्मी हो चुके हैं गाइज, अभी हॉर्सी को भी भाई मेरे, मुझे लगता है मेरा हॉर्सी कब का इवॉल्व हो जाता है अगर ये मरता नहीं तो। ओके सबको मैंने पूरा फुल्ली हील कर देता हूँ यार। A few moments later. यार मैंने अबोमसनो पर मैंने अब ध्यान दिया, कहना बारा मेगा अबोमसनो भी बन सकता है, और मेरे पास अबोमसनाइट है नहीं। तो गाइस मिलते हैं इस लेडी से लड़ने के बाद, ठीक है। अच्छा तो हमारा हॉर्स भी इवॉल्व हो गया भाई, सीड रहा हूँ बंदे भाई, लेडी भीम को इस बंदे ने हरा दिया आखिरी पोकेमॉन। मैंने इसको गलती से भेजे थे वैसे तो, बट उसका अटैक मिस हो गया, उसने हॉर्सी ने उसको लुढ़का दिया और तभी इवॉल्व हो गए। ओके एजल्फ भाई, एजल्फ
ब्रो लेजेंडरी पोकेमोन क्या कर रही है यहाँ पर गुफा के अंदर? खैर जो भी है हमें से पकड़ने वाले, इसको भाई यार गाइस पता नहीं कब पकड़ मांगा। तो गाइस मिलते हैं इसे पकड़ने के बाद। भाई भाई कसम से ये सिर्फ फोर्थ, मैंने अल्ट्रा बोल डाली थी फोर्थ और चार ही अल्ट्रा बोल में आ गया भाई। है यार इतना मुश्किल। रेजी गी पता नहीं क्या नाम है यार इसका, रेजी की गैस, तुम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हो मुझे कमेंट करके बताना ज़रा। फिलहाल भाई इसको मैं पकड़ने वाला हूँ यार, यकीन मानना है मैंने पता है कम से कम 20 मिनट तक मैंने उसके ऊपर अल्ट्रा बोल डाली होगी, लेकिन साला वो आया ही नहीं एंड वो बेचारा स्ट्रगल करता करता मर गया। दोबारा साला फिर आ गया, लेकिन इस बार 40 लेवल का रहा है। मैं इसे पकड़ूँ यार कि नहीं देखते हैं। भाई इस बार आ जाए तो सही है, वरना कोई बात नहीं। ये सारे इतने हरामी पोकेमोन है भाई, इनको मरना पसंद है लेकिन साले आने ही नहीं इनको हमारी टीम के, मतलब इन्हें पकड़वाना ही नहीं है खुद को हमें। तो साले घूम क्यों रहे हैं यहाँ पर ये फालतू में? दो सारे पोकेमोन मर गए भाई उसको पकड़ने के चक्कर में। फिलहाल तो भी सबको हील करना पड़ेगा मेरे को यार। यार मतलब ऐसे नखरे वाला पोकेमोन मैंने आज तक नहीं देखा यार इतना। भाई इतने शायद म्यूटू भी आ जाता हाथ में, लेकिन साला ये रेजी की गैस कैसा नाम है इसका। फिलहाल ओके पोकेमोन्स मेरे आधे हील हो चुके हैं, सबको हाइपर पोशन दे देता हूँ यार मैं। यार एक तो मेरे को गीबल कहीं मिल ही नहीं रहा और मेरे तरह साइड ट्रेनर से लड़के थक चुका हूँ वैसे तो, लेकिन सभी तो मज़ा भी आ रहा है क्योंकि हमने ड्रैगन नाइट शायद 55 लेवल पर बने, लेकिन सीड्रा किंगड्रा कौन से लेवल पर बनता है मुझे ये याद नहीं है बिल्कुल भी। ओके विक अबोल्ट नहीं चाहिए मुझे, दबान हो जाओ। ओके स्ट्रेंथ यूज़ करके हम जाते हैं उस, ओ शिट मैंने गलती कर दी यार फक, हिप्पो डाउन थी रेस्की तैसे निकल गया से साला, मैंने गलती कुछ ज़्यादा जोश में आ गया, मैंने कुछ ज़्यादा उसको धक्का दे दिया आगे। ओके तो अभी ऊपर जाना है हमें, चल एक और। ओके सॉल रॉक यार मुझे लग रहा है मैक्स सिंपल मुझे यूज़ कर लेनी चाहिए अब, लेकिन भाई सिर्फ यहाँ पे हर बार को हुपा दफ़ा क्योंकि हर बार यहाँ पे नया नया पोकेमोन मिल ही रहा है मेरे को, तो यार इसलिए मैं ना मजबूरन मैक्स रिपल यूज़ कर नहीं सकता। अगर मुझे मालूम होता ना किस तरह के पोकेमोन्स मिलेंगे मेरे को बार बार यहाँ पर सेम टू सेम, तो मैक्स रिपल फ़ौरन यूज़ करता मैं। ओके संभाल कर वरना शाले शुरू से मेरे को लेकर आना पड़ेगा पत्थर यहाँ पर। ओ एज सेल्फ भाई दीदी तुम मेरे पास ऑलरेडी बच्ची तुम निकलो। ओके पत्थर मैंने यहाँ पर लगा दिया, पड़ाऊँ साला फिर आ गया यहाँ पर। ओके तो रास्ता खुल चुका है यहाँ पर ऑलरेडी और हम जा रहे हैं गाइज यहाँ पर जिगने के नीचे, पता नहीं कहाँ क्या आया होगा यहाँ पर पीछे। ओके ये भैया खड़े हैं यहाँ पर, भैया से लड़ेंगे गाइस, मिलते हैं भैया से लड़ने के बाद। जैगरेट टेन इसको पकड़ो कि नहीं यार, नहीं मैं करना कुत्ता है वैसे भी, तो गाइस मिलते हैं इससे लड़ने के बाद। वेल मैंने चश्मिश इस चश्मिश साइंटिस्ट की मैंने वार्ड लगा, तो भाई पत्थर कहाँ गया भाई? मेरे को फिर से पत्थर लेकर आना पड़ेगा क्या यहाँ पर? वो एक मिनट नहीं, रास्ता तो खुला हुआ है अभी भी। चलो भाई मुझे लगा साला दोबारा पत्थर यहाँ पर खिसकाना पड़ेगा मुझे लाकर यहाँ पर। ओके गाइस तो हमने यहाँ की भी मिस्ट्री सॉल्व कर दी है, मतलब मिस्ट्री तो नहीं, यहाँ पे थोड़ी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है यार साला, बिना मैक्स रिपेल के धक्का लगाना पड़ता है यार। कोई गीबल दे दो भाई, दुनिया भर के पोकेमोन दे दे लेकिन गीबल कोई दे ही नहीं रहा मेरे को। ओके मैंने इन भाई बहनों की ऐसी तैसी कर दी मैंने, या कपल कपल थे जो भी थे साले। अभी यहाँ पर पत्थर फेंकना पड़ेगा शायद नीचे जगह पत्थर ही, फिर वहाँ से खिसका के मेरे को। ओके ये रास्ता खुलेगा, हाँ मुझे याद आ गया, काफ़ी टाइम पहले मैंने करा था ये सीन, मुझे मैं समझ भी नहीं पा रहा था भाई कि करना क्या, खो गया था मैं इस जगह पर। बूडियो क्या नाम है इसका। ओके तो गाइस हमने यहाँ का भी सीन कर दिया, सिग्लिफ्लोरोथन क्या नाम है यार नाम इनके ढंग से प्रोनाउंस। ओके गाइस मिलते हैं कपल को मारने के बाद, तो गाइस हमने कपल की वार्ड लगा दिया, बंदा से लड़ना। ओके तो गाइस इससे हमें लड़ना नहीं पड़ा, ये बंदा डबल एज दिखाते हैं, हाँ मुझे मालूम। तो गाइस मिल ब्रैंडन ऊपर क्या कर रहा है, एक मिनट। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने केव से बाहर, और अभी हमें केव से बाहर आते ही नहीं हमें यहाँ पे ब्रैंडन दिखा, तो मैं कंफ्यूज हो रहा भाई क्या करूँ यार मैं साला। ओ एक मिनट इन्हें पकड़ा नहीं मेरे को भाई मेरे पास चांस है ये, मैं क्या करूँ मैं सोचता हूँ मैं ना पोकेमोन सेंटर चले जाता हूँ पहले पोकेमोन हील करके, क्योंकि अगर इसने मेरे को हरा दिया ना तो भाई मेरे को फिर दोबारा विक्ट्री रोड ना ट्रैवल करके आना पड़ेगा। भाई मैं ये रिस्क नहीं उठाने वाला, मैं सबसे पहले अपने पोकेमोन्स हील कर ही लेता हूँ यार यहाँ पर। अब साला रास्ता बंद है तो सारे भुलभुले ही बना रखे ज़बरदस्ती की यहाँ पर। ओके मैं पोकेमोन हील कर लेता हूँ भाई सबसे पहले, तो क्योंकि साला इन्हें वार्ड लगाते हुए दोबारा आना पड़ेगा, इतनी लंबे रास्ते चलकर आना पड़ेगा मेरे को। ओके तो पोकेमोन हील हो चुके हैं गाइस, अभी मेरे को कोई डर घंटा भी डर नहीं है मेरे को, कितनी बार भी हराए 100 बार 200 बार मैं, लेकिन बार बार यहीं से ही आऊँगा, पता नहीं कितने लेवल के पोकेमोन्स होंगे भाई, तो डर लग रहा है मुझे। ओके अब आ चाले तेरी ऐसी की तैसी, ओके पोकेमोन्स मेरे एकदम ठीक ठाक लगे हुए हैं, अब आ तेरी इसकी वार्ड लगाऊंगा मैं। ओ एक अच्छा ब्रांड व्हाट द फक गाइस 100 लेवल का रेकवाजा गाइस हमारी वार्ड लगा देगा ये, तो क्या करूंगा मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा भाई ऐसे तो इससे।
प्लीज। ओ बच गया बच गया बच गया। शिट यार, बट फक यार फक। अब वो मसलों को भेजूंगा क्योंकि ड्रैगन टाइप पोकेमोन अच्छा, मैंने आइस टाइप पोकेमोन रखा। शीट कोल्ड यार अटैक्स है ना इसके, 90% अटैक मिस ही जाता है यार। यार फक ड्रैगन पोल से भी मरी है, ड्रैगन एयर को या सीड रहा तू जा यार, इसको रिवाइव दे दूँ, रिवाइव दे देता हूँ मैं इतने। वैसे भी घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाती है, क्या उखाड़ पाता सॉरी। रिवाइव कहाँ है यार मेरी, रिवाइव 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 ब्रो, रिवाइव देना आई स्टोन नहीं रिवाइव। अरे यार रिवाइव ओके। 40,000 अब मैं सुनो भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जितवा सकता है मेरे को। काश इसके पास भी कोई ऐसा मूव हो जिससे है ना ये भी मस्ट हैव रिचार्ज वाली वो चीज़ लिखी भी आए, फिर मतलब है ना शांत। ओ हाइपर बीम कर दिया ब्रो उसने, लकी मैं भाई। अब मसनों के पास चांस है, ब्लिजर्ड अटैक, ब्लिजर्ड प्लीज मार दे। ओ भाई भाई देख सकते हो, देखो 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 फक फक। लेकिन भाई देखो मेरे को होप मिल चुकी है गाइज, इंसान को जो होप की ज़रूरत होती है ना मुझे वो मिल चुकी है। अब मेरे को है ना आइडिया आ चुका है, मैं भी इसको है ना इसी तरह हराऊंगा जैसे मैंने उसको जीवोने को हराया था ना भाई, रिवाइव बबर यूज़ कर करके। ओके हाइवर भी यूज़ कर दी, फक यार मैंने तोड़ दे रहे वो क्यों रिवाइव दे दी मैंने भाई, जोश जोश में आके मैंने गलती कर दी, मेरे को अबोमा सुनो को रिवाइव देनी चाहिए थी गाइस। फक कितना चूतिया हूँ यार मैं यार। गाइस ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना यार, गाइस बिल्कुल भी मत करना है प्लीज़। ओके ओके टोटल रखिए अच्छे से, वार्ड लग चुके हैं प्लीज़ ब्रो। हाइपर बीम करते हैं, हाइपर बीम हाइपर बीम हाइपर यस हाइपर बीम हाइपर ब्लिज़र्ड 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 मार दे मार दे मार दे मार दे। फक 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 गाइस फक, ये क्या हो गया ये क्या हो गया। अब गाइस कोई चारा नहीं है हमारे पास यार, मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा गाइस, मैं उम्मीद हार चुका हूँ। वैसे भी अगर मैं इससे अब लड़ने बैठूंगा तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी, तो गाइस मैं इसको अपने अगले एपिसोड में हराऊंगा ठीक है ना। तो अभी देखते जितना मैं कर सकता उतना कर रहा हूँ मैं, बाकी वैसे भी इसको मैं अगले एपिसोड में हराने वाला हूँ। इतना वार्ड लगा दिया यार गाइस, गजब बेइज्जत किया। हाइपर बीम कर दे भाई, नहीं कर साले ना। अब तो गाइस कोई चारा नहीं हम जीत सकते, ओके हम जीत ही नहीं पाएंगे इससे। फिर भी भाई देख लेता हूँ क्या पता। फक यार सिर्फ एक अटैक करने की जरूरत मतलब दे रही है बस सिर्फ एक अटैक, इसके बाद मुझे पता चल रहा है कि इसके पास है ना किस तरह के पोकेमोन्स होंगे यार। अब नहीं करने वाला भाई मैं वेस्ट। और ब्रो मारना है तो मार, फक यार नहीं मार पाया मैं। शीर कोल्ड ओके, घंटा भी कुछ नहीं होगा गाइस। तो गाइस हम हार चुके हैं इससे, हमने बेइज्जती करवा ली अपनी। वेल गाइस वीडियो एंड करने का वक्त आ चुका है, अगर वीडियो पसंद है आप लोगों को वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। अगर मेरी जो भी मिस्टेक्स उसको कमेंट करके जरूर बताना गाइस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय।